डॉक्टर विक्रम कह रहे थे 2-3 दिन में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, तब तक ये ट्राई करके देखो, शायद सदमा रिवर्स हो जाए, तब तक वेट करते हैं। अरे क्या बातें कर रहे होंगे मैं, होंठ पढ़ने दे। मुझे ना बाहर जाके पढ़ाई करनी है। कहाँ पे? लंदन। लंदन? मुझे भी। मुझे भी। कहाँ? ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक। टीटी टीटी करा है? वो म्यूजिक स्कूल। वो भी तो लंदन में है। एडमिशन लेने का प्लान है? लेने का प्लान तो है। लेने का प्लान है? पुनरा तू लेने का प्लान है भैया? क्या बात कर रहे हैं? हमें इतने फ्रैंक कैसे हो सकते हैं? मैं अभी 2 दिन ही तो हुए मिले हुए। माय ग्रैंडफादर मस्ट बी सो प्राउड ऑफ हिम। हाँ मामा क्या हुआ? हाँ बेटा किधर है? इधर ही। इधर किधर? यहीं पे। यहीं किधर? वहीं पे। वहीं कहाँ? अरे क्या हुआ? तू घर पहुंच। पर हुआ क्या? तू है किधर? अच्छा मैं आता हूँ। हाँ मम्मी जो चीज नहीं देखी उस पर कैसे विश्वास कर सकती हो तुम? तूने भगवान जी देखे? नहीं। लेकिन है। तुम्हारी बातें। तूने मेरे हाथ में चप्पल देखी है? नहीं। लेकिन है। भैया मैं भी लिखता हूँ रैप। अच्छा तू रस्ते पे ध्यान देना यार। नहीं नहीं बेटा, अगर हुनर है तो प्रोत्साहन बिल्कुल देना चाहिए। आप सिंगरिंग वाले शो में जाइए ना, है इनके पास तो दुखद स्टोरी भी है, है? खुद रिक्शा चलाते हैं। नेहा जी पक्का रो देगी। तो सुनाओ कुछ। राशिद इरशाद। हाँ हाँ। पेड़ पे अंगूर, अंगूर पे लंगूर, लंगूर की गाल लाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है, धुआं है या कोहरा, पता नहीं बहन का लौड़ा, जाने किसकी चाल है, दिल्ली का हाल बेहाल है। जी भी 64। अरे मैं तो कह रहा हूँ वो शिलाजीत वगैरह ले लियो और एक नूरू मसाज भी करा लियो। नूरू मसाज क्या होता है? पहले बदन पे लगेगा तेल ढेर सारा, फिर पलट के भरी पिचकारी मारी सारा रन। इसका मतलब टनाटन। दाऊ जी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दाऊ जी आप कौन लगते हैं इनके? एक्टर हूँ भाई, रील्स बना रहा हूँ। मैं भी बॉर्डर पे जा रहा हूँ, सीओडी खेलता हूँ ना बहुत सुन के। शाबाश शाबाश, पानी पिलाओ इसको। करके पियूं? हटा इसको। क्या हुआ बाबा? ला कुछ बोल रहे पापा? हाँ बाबा बोलो। ला 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 लौड़ा संभाल के। अरे चुप रहे यार। ये हराम जाते बात करो। हाँ वही किधर है वो आउटी नुन्नी वाला? उस दिन कह रहे थे लटकने से हाइट बढ़ती है। अबे लटकने से हाइट बढ़ती तो मेरा नुन्नू जमीन पे रेंग रहा होता। घर में खाने को दही नहीं होता था लेकिन रोज फर्श से साफ करती थी। अरे चुप। ये मिल गई। कौन मिल गई? नहीं आपने इनका एक्सीडेंट होते हुए देखा क्या? सॉरी नहीं देखा। देखिए ना भाई साहब कितने हरामी बच्चे हैं ये। बे पेशाब की आखिरी बूंद, ये मेरे बच्चे हैं, जो मांग रहे दे दे। चीजल मांग रहा है वो। अबे वो चौ को हाँ बोलता है, चीजल मांग रहा है और तेरे पास चाकू है। हाकू? अब ये हाकू क्या है भाई? बे मैं तो चौ को चाहिए बोलता हूँ ना, चमकती चांदनी के चमकीले चमकादड़। क्या बात है सर, अपने कर्मचारियों की कदर करना कोई आपसे सीखे हैं? बबलू जी मैं कौन? बॉस। बॉस ली का हूँ मैं। एक बार आज उसका हाथ देख लियो। क्यों? डीजे की बड़ी उंगली का नाखून अगर कटा हो तो समझ जाना उसने जिगी 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 किया है। जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे। ऐसी नाजुक स्थिति में एक आदमी की कमी जानलेवा साबित हो सकती है, और इंसान की तो फितरत यही है कि वो दूसरों को बीच रास्ते में छोड़कर आगे निकल जाता है, फिर चाहे सर फूटे या माथा। यारा मैंने तो ना कर दी। ऐसे हरामजादों से बचकर रहें, चौकन्ने रहें। आपने इनका एक्सीडेंट होते हुए देखा है? यहीं पे हुआ था, मफलर लगाते थे। बोगड़ी के कहाँ था तू? तब से फोन कर रहे हैं। देखो तेरे को फोन किया था, तेरा फोन ही ऑफ था, और बहनों को तो पता है मैं एक हफ्ते से यहीं आ रहा हूँ। क्यों? फोन डोनेट करने। कब तक अपनी औलाद को बहाता रहूंगा? ध्यान रखना हाँ, एग्जैक्टली 15 है। इतना सारा एक हफ्ते का? पागल है क्या? आज के
जरूरत से ज्यादा बोलने वाले या तो बहुत डरे हुए होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं। बिना चेहरा दिखाए बकचोदी करने वाले या तो ट्विटर पे होते हैं या फिर बिग बॉस में होते हैं। दूसरों को बार बार उंगली करने वाले या तो अंपायर होते हैं या फिर जॉनी सिन होते हैं। एक ही जगह बैठ के बकबक करने वाले या तो दादाजी होते हैं या फिर लंगड़े दादाजी। ऐसे बेतुके कंपैरिजन करने वाले। अरे ये पेटी हटा के बात करना यार।